लोहरदगा जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। लोहरदगा रेलवे स्टेशन को नई सौगात मिलने से जिले के लोगों में हर्ष है। जिले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग का सपना लंबे समय के बाद पूरा हुआ। राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को हरी झंडी दिखाकर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उराव, धीरज प्रसाद साहू ने रवाना किया। मौके पर सभी ने इस दिन को ऐतिहासिक करार दिया। वहीं इससे पूर्व भाजपा द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राणा चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहरदगा स्टेशन पहुंची। वहीं लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के स्वागत के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उराव, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, समीर उराव शामिल हुए। बता दें कि सप्ताह में 2 दिन लोहरदगा टोरी रेल लाइन पर रांची से नई दिल्ली और 2 दिन नई दिल्ली से रांची लोहरदगा होते हुए राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर व्यापक तैयारियां भी की गई। समझता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खुशी का यह क्षण है और आज़ादी के जब हम 75वें वर्ष का जब हम जश्न मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, विशेष रूप से रेल मंत्रालय का लोहरदगा के लिए आज राजधानी का परिचालन का लोहरदगा पर ठहराव, या मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर यह एक बहुत बड़ा सौगात है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मात्र लोहरदगा जिला को ही नहीं, इस संसदीय क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, जशपुर, सिमडेगा जिला, अभी हमारे DRM साहब ने बताया है, आसपास के हमारे जो भी जिले हैं, लातेहार जिला और हमारे लातेहार जिला के महुआडांड, गारू, ऐसे आसपास के जो भी विभिन्न जिले हैं, उनका इस राजधानी ट्रेन के ठहराव से इसका यहाँ के लोगों को काफी बेहतर लाभ होने वाला है। बुलादी को निकट आने के कारण यह अधूरा रह गया और हम चाहेंगे कि आज केंद्र में हमारे दो यहाँ के कर्मठ नेता लोग हैं, उन लोग भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे और अभी हम लोग की मांग है कि यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस के अलावा हटिया हावड़ा जो ट्रेन चलती है उसका भी यहाँ से कलकत्ता से यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ के लोगों काफी तक दिल्ली नहीं जाते, इससे ज्यादा कलकत्ता जाते हैं। यहाँ अगर कलकत्ता लोहरदगावासियों को यह गर्व की बात है कि राजधानी एक्सप्रेस पहली बार लोहरदगा में रुक रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सुदर्शन भगत जी को कि उन्हीं के सार्थक प्रयास से और सपा जिलेवासियों का आज बहुत गर्व की बात है कि राजधानी एक्सप्रेस लोहरदगा में रुक रही है। ये मेरा पहला सफ़र है तो सबको यही कहना चाहते हैं कि लंबे इंतजार के बाद आज ये सफल हो पाया है, इसके लिए मैं तमाम जिले वासियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लोहरदगा जिला से रांची राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा हूँ दिल्ली तक का सफर तय कर रहा हूँ। एक निश्चित रूप से लोहरदगा के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि और भी ट्रेनें जो दिल्ली या दूसरे जगह जाती है उसका रुकाव लोहरदगा में होना चाहिए, ताकि ये राजधानी एक्सप्रेस जो है कुछ थोड़ी सी महंगी ट्रेन है, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए और भी जो ट्रेन है उसका भी रुकाव यहाँ होना चाहिए और निश्चित रूप से ये लोहरदगा के लिए बहुत गर्व की बात है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।